तो घर के अंदर भी पानी आ जाता है। ये पोखरी ना पूरा भर गया है और ये जो भर गया ना तो यहाँ पानी घुस सकता है इधर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे, समस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और गाइज मैं देखो अभी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ, उतने में ना बारिश होना स्टार्ट हो गया और अभी जाके ना बंद हुआ, तो सुबह से बारिश ही स्टार्ट हो गया, मतलब 6 बजे से ही बारिश होना स्टार्ट हो गया। ये पूरा भर चुका है बारिश से और ज़्यादा फ्लो बढ़ गया ना तो घर के अंदर भी पानी आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह। और ये जो घर है ना पूरा पुराना हो चुका है, बहुत साल पुराना घर है, मतलब ना ये घर मुझे लगता है 80-100 साल पुराना होगा ही। और इसके अंदर देखो पूरा पानी घुस चुका है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो वेदर एकदम क्लीन सा है और बारिश देखो इतना ज़्यादा हुआ ना, ये पूरा भर जाता है घर में, अंदर पानी आ जाता है देखो ऐसे, ये पूरा भर जाता है। तो कुछ इस तरह बारिश ने आतंक मचा चुका है। कुछ दिन पहले ना बारिश ही नहीं हो रहा था, अब देखो बारिश जब होना स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यू बारिश हो रहा है। और अभी भी ना वेदर में मैंने देखा तो एक हफ्ता जितना और भी मतलब पॉसिबिलिटी है बारिश होने का, तो बहुत ज़्यादा चांस है। और फिर से होगा स्टार्ट, अभी थोड़ी देर के लिए रुका है तो अभी ठीक ठाक है वेदर, और कुछ ही देर में ना स्टार्ट हो सकता है, कोई गारंटी नहीं होता है। आज ना मेरा कॉलेज में एग्जाम है MA का, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ और वहाँ ना एक इंटरनल एग्जाम है, एक ही एग्जाम है। फिलहाल अपने कॉलेज में आए हैं और हमारा कॉलेज ना काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है और यहाँ की बिल्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज यहाँ का बिल्डिंग आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पुराना हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है और इसको ना बाद में रिपेयर करवाया गया। और यहाँ पर नए टेबल बन रहा है जो कि लोहे का है और इधर भी है। ये वाला ना एजुकेशन ब्लॉक है और ये दूसरा वाला साइंस ब्लॉक है और उस साइड ना मैनेजमेंट का ब्लॉक है कॉमर्स वाला। तो ये ऑल ओवर कॉलेज ना बहुत ही बड़ा है गाइज। और यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन भी है कॉलेज में एंड गार्डन को भी बहुत अच्छा बनाया गया है। बीच में ना ये मंदिर है, ये छोटा सा गार्डन प्यारा लग रहा है, इसके अंदर तो हम नहीं जा सकते, उधर से है मेन गेट, अभी लॉक है सब कुछ। एंड मैंने ना 2 घंटा का एग्ज़ाम था, मैंने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया। मैं और कुलदीप साथ ही में आए थे, कुलदीप अभी तक लिख ही रहा है तो मैंने जल्दी जल्दी लिख लिया, मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ इसलिए मैंने जल्दी से ख़त्म कर ली। और गाइस अभी मैं फिलहाल आया हूँ कुलदीप के घर और यहाँ पर मेरा स्कूटी थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है। अभी टाइम हो चुका है सुबह के 10 बज चुका है, क्योंकि 10 बजे से पहले कोई भी शॉप यहाँ पर खुलता नहीं है, उससे पहले सब कुछ बंद होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा स्कूटी और इसका ना जो वायर होता है एक्सीलेटर वाला वायर, यहाँ पर देख सकते हो ये टूट गया है तो इसी को चेंज करवाना पड़ेगा, बाकी सब ठीक ठाक है। और ये सीट फटा हुआ है तो इसको भी कभी ना कभी हम चेंज तो करवा ही लेंगे। तो कुलदीप भी रेडी हो चुका है तो हम दोनों जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो गाइज कुलदीप खेल के ले जा रहा है, यही है पास ही है गैरेज तो उसमें ले जाना होगा। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ही बैड कवितव या खराब कवितव, बहुत ही खराब महसूस हो रहा है। फाइनली हम आ गए अपने डेस्टिनेशन पर, ये रहा गैरेज, चलो भाई। तो यहीं पर हम अपने स्कूटी को बनवाते हैं अक्सर। हमारा स्कूटी बन के आ चुका है घर पे, क्योंकि स्कूटी का ना वह कोई भी गाड़ी का वह कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ों का ना कोई भी गारंटी नहीं होता, कहीं भी धोखा दे सकता है आपको, कहीं भी जाकर ख़राब हो सकता है, तो ध्यान रखना, मेंटेनेंस जरूरी होता है। और हमारा स्कूटी का तो एक्सीलेटर जो वायर होता है वो टूट गया था, बट हो सकता है पुराना हो चुका है तो कहीं भी टूट सकता है, तो उस चीज़ का हम कुछ कह नहीं सकते। तो हमने काफ़ी दिनों से ड्राॅइंग भी नहीं बनाया है तो आज हमने डिसाइडेड किया आज ना एक हम अपने फेवरेट ब्लॉगर का ड्राॅइंग बनाएंगे, जो कि आपको आगे इस वाले ब्लॉग में तो नहीं है, अगले वाले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। और मैं इसी चैनल पर हाईलाइट भी डालूंगा उस ड्राइंग का। और उससे पहले ना आज मैं एक न्यू प्लेस को विजिट करने वाला हूँ। अक्सर मेरा कोशिश रहता है कि मैं न्यू प्लेस को विजिट करूँ, ड्राइंग या अपना हॉबी दिखाने से बेहतर मुझे अभी फिलहाल के टाइम में न्यू प्लेस दिखाना पसंद आता है। तो आज के ब्लॉग में ना हम एक न्यू प्लेस भी देखेंगे। फिलहाल हम आ चुके हैं शहीद गेट के पास, आप मेरे पीछे देख सकते हो यही है शहीद गेट। अगर आप जनकपुर में एंटर करते हो तो आपको यही गेट से आना होगा, यही गेट से होकर आपको एंटर करना होगा। तो स्कूटी तो हमारा ठीक हो चुका है रिपेयर, थोड़ा ही देर का टाइम था 10 मिनट जितना, बट स्कूटी हमने वहीं पर छोड़ दिया और फिलहाल कुलदीप के बाइक से आए हैं यहाँ पर। ये हाईवे ना बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा वाइड है और इस साइड भी बन रहा है बैठने के लिए, यहाँ पर देखो बाद में ये जब कम्प्लीट हो जाएगा ना तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और कुछ इस तरह यहाँ पर देख सकते हो ये है हाईवे, यहीं से आपको काठमांडू जाना होगा और इधर से आप आते हो तो
सीधा जनकपुर में एंटर कर लोगे। इस शहीद गेट को 2022 में बनाया गया था। जनकपुर में ना एक दंगा हुआ था, मधेश आंदोलन, तो ये बहुत पहले हुआ था जिसमें ना बहुत सारे लोग मारे गए, तो उसी के याद में ये शहीद गेट को बनवाया गया और जो लोग मारे गए थे उसका स्टैचू भी बनाया गया है। तो चलो हम पास जाकर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर और ये दंगा क्यों हुआ था उसके बारे में अभी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। और चलो हम सीधा देखते हैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और नया नया बना ही है, अभी 2 साल ही हुआ, अभी 2024 से 2022 में इसको बनाया गया, तो काफी ज्यादा पुराना तो नहीं है। इस गेट को देखो, बिल्कुल राम जी का जो धनुष होता है उसी शेप में बनाया गया है और ऊपर में ना एक राम जी का स्टैचू भी बनाया गया है जो कि एकदम पूरा धातु का है। चलो हम ऊपर जाकर देखते हैं। भाई ये क्यों रखा है, इसका काम नहीं है। चलो ऊपर देखें कैसा है। ऐसे आपको वीडियो में छोटा सा दिख रहा है बट ये ना असल में बहुत ही ज्यादा विशाल है। यह है शहीद दिलीप यादव। यहाँ से गाइज कितना खूबसूरत लग रहा है ये हाईवे और यहाँ पर लाइटिंग भी है देखो, तो रात के समय में ना यहाँ पर बहुत ही मजा आएगा क्योंकि पूरा लाइटिंग से चमकदार हो जाता है ये हाईवे, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आगे भी स्टैचू है 2-4, यहाँ पर 6 स्टैचू है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना स्टैचू है यहाँ पर, तो इतना ही स्पेस है। और ऊपर में राम जी का स्टैचू है। यहाँ से देखो राम जी का स्टैचू कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये ना सुपरमार्केट का एक बिल्डिंग है, इसमें ना सारे चीज़ आपको मिल जाएगा। हमने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना चुके हैं तो अगर आपने नहीं देखे हो तो आप देख लेना। पानी जाने के लिए यहाँ पर गटर बनाया गया है देखो, अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है, इसको सबसे पहले सफाई किया जाएगा उसके बाद इसको ढक दिया जाएगा तो और ज़्यादा ये रोड ना वाइडली हो जाएगा बहुत ज़्यादा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे। भाई साहब फिर से बारिश होने लगा, अभी मैं देखो यहाँ पर छुप गया हूँ थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा तो बारिश नहीं हो रहा, कुछ देर पहले ना बहुत ज़्यादा हुआ। और वहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो इस पोखरी का लेवल, वाटर का जो लेवल है पूरा एकदम सब भरने वाला है और ये भर गया ना तो पानी भी घुस सकता है सिटी में। यहाँ पर देखो ये पोखरी पहले ना पूरा खाली रहता, पूरा भर गया है और ये जो भर गया ना तो यहाँ पानी घुस सकता है इधर। तो फाइनली जान बचाते बचाते आ चुका हूँ घर में और यहाँ ना बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मुझे देखने को मिला। यहाँ पर देखो गाइस अमरूद बारिश के वजह से कितने सारे गिरा है, यहाँ पर देखो सारे के सारे खाने वाला अमरूद है। अगर पहले तोड़ लिया होता ना तो ये सारे हाथ में आ जाता बट ये पूरा अभी नष्ट हो चुका है। यहाँ पर देखो ध्यान से, और ऊपर भी बहुत सारे अमरूद है यहाँ पर फला हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये सब ना बारिश के वजह से गिर जाता है। एंड गाइज यहाँ पर मेरा बोर्ड का हालत देखो कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ये भी ना बारिश में पूरा ख़राब हो चुका है। इस बोर्ड को ना मैं पहले टीचिंग के लिए यूज करता था, नॉट फॉर यूट्यूब, तो आपको लग रहा होगा मैं क्यों इस बोर्ड को अभी फेंक दिया हूँ। तो दरअसल ना ये ना ख़राब हो चुका है, मतलब रखते रखते ख़राब हो चुका था और बारिश के पानी उस पर गया, उसकी वजह से और ज़्यादा ख़राब हो चुका। और 2-4 काठ के बेंच डेस्क भी है वो भी ख़राब हो चुका है। बारिश में सब लोग बच के रहो, मेरे तरह ऐसे ही मत निकल पड़ो, कभी भी बारिश हो सकता है। अभी ना बहुत ज़्यादा बारिश होने का संभावना है, लगभग 1 हफ्ता जितना ना बारिश होने का संभावना दिख रहा है। तो सब लोग सुरक्षित रहो, घर में रहो और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। बहुत सारे लोग देख लेते हो और आधा से ज़्यादा ना लोग ऐसे ही चले जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में।